तो गैस माहौ किताब देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस रिडक। तो गैस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट 2020 के प्रेडिक्शंस के बारे में। अब देखो मुझे पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल नहीं किया कि ड्राफ्ट होगा इस साल या फिर नहीं, बट हाँ गैस यहाँ पर अगर ड्राफ्ट होता है तो हम इस वीडियो में प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि कौन से सुपरस्टार्स किस रोस्टर में जाएंगे। यहाँ पे मैं एनएक्सटी को इंक्लूड करने वाला हूँ। तो गैस यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रॉ से कौन से सुपरस्टार्स स्मैकडाउन में जा सकते हैं, कौन से सुपरस्टार एनएक्सटी में जा सकते हैं, और स्मैकडाउन से कौन से सुपरस्टार एनएक्सटी में जा सकते हैं एंड देन रॉ में जा सकते हैं। ठीक चीज़ होगी यहाँ पे एनएक्सटी के साथ भी। तो देखो ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा ड्रीम प्रेडिक्शंस है, तो आप इसे ज़्यादा सीरियसली तो नहीं लेना, बट अगर आप ये इमेजिन करके चलो ये सुपरस्टार्स इधर उधर ब्रांड चेंज करते हैं तो काफ़ी कमाल का सीन आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी मजा आने वाली इस वीडियो को देखने में, आपको इस वीडियो का लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करने से पहले लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करते बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस बात शुरू करते हैं मंडे नाइट रॉ से। तो यहाँ पे मंडे नाइट रॉ में जो पहले सुपरस्टार हैं वो हैं गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन, और यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन जो हैं वो फ्राइडे स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ में आ सकते हैं। मेरी कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस है अगर ड्राफ्ट 2020 होता है तो। इसके बाद के जो नेक्स्ट सुपरस्टार हैं वो है गाइस डेनियल ब्रायन, और यहाँ पे डेनियल ब्रायन भी जो है गाइस आने वाले ड्राफ्ट में फ्राइडे स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ में आ सकते हैं। ये कुछ मेरी प्रेडिक्शंस है। नेक्स्ट सुपरस्टार की और बात करें तो गाइस तो वो है डॉफ जिगलर। यहाँ पे डॉफ जिगलर भी फ्राइडे स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि डॉफ जिगलर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ब्रॉन स्ट्रोमन, डेनियल ब्रायन और डॉफ जिगलर आपको फ्राइडे स्मैकडाउन से रॉ में आते हुए दिखेंगे तो कैसा सीन क्रिएट होगा, कैसा लगेगा आपको। इसके बाद का जो नेक्स्ट नेम है वो है गैस यहाँ पे एलायस का, यानी कि गैस जी हाँ एलायस हमें देखने को मिल सकते हैं मंडे नाइट रॉ में, ये आ सकते हैं फ्राइडे स्मैकडाउन से, तो हमें एलायस भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले ड्राफ्ट के बाद मंडे नाइट रॉ में। इसके बाद का जो हमें नेक्स्ट सुपरस्टार देखने को मिल सकते हैं वो हो सकते हैं गैस यहाँ पे द बिग रेड मशीन केन। केन के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मंडे नाइट रॉ में आएंगे, और यहाँ पे गैस अगर ड्राफ्ट होता है तो केन रॉ पे ही ज़्यादा सूट करते हैं मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि फ्राइडे स्मैकडाउन का मतलब ये होना चाहिए कि सारे स्टार्स आप फ्राइडे स्मैकडाउन में ही भेज दो, बट यहाँ पे अगर आप मंडे नाइट रॉ में रखते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे केन अगर आते हैं मंडे नाइट रॉ में तो मेरे हिसाब से वो सीन तगड़ा होगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट नेम है वो यहाँ पे लार्ज सलेवन का। मुझे पता है लार्ज सलेवन फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं है, इंजरी की वजह से बाहर, पता नहीं कब वो रिकवर करेंगे। यहाँ पे गाइस अगर लार्ज सलेवन का रिटर्न होता है तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से आने वाले ड्राफ्ट में लार्ज सलेवन को रॉ की तरफ भेजा जाएगा, और यहाँ पे लार्ज सलेवन जो हैं वो मंडे नाइट रॉ में आते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट नेम जो है गाइस वो है द बिग डॉग रोमन रेंस का। यहाँ पे हमें रोमन रेंस भी देखने को मिल सकते हैं मंडे नाइट रॉ में। यहाँ पे बात की जाए कि क्या चांसेस है रोमन रेंस के, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो रोमन को तकरीबन फ्राइडे स्मैकडाउन पर अच्छा खासा टाइम हो चुका है, तो यहाँ पे गाइस रोमन हमें मंडे नाइट रॉ में देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट नेम है वो है गाइस यहाँ पे बॉबी फिश का। बॉबी फिश हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं एनएक्सटी से आते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि एनएक्सटी से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ सकते हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई कहने का मतलब है मेरा यहाँ पे मेन रोस्टर। तो यहाँ पे मेन रोस्टर यानी कि मंडे नाइट रॉ में बॉबी फिश हमें देखने को मिल सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये वाली थिंग हमें देखने को मिलेगी ड्राफ्ट में, और यहाँ पे एनएक्सटी से बॉबी फिश हमें देखने को मिलेंगे मंडे नाइट रॉ में। इसके बाद का जो नेक्स्ट नेम है वो है यहाँ पे डैनी बर्च का, और यहाँ पे डैनी बर्च भी हमें देखने को मिलेंगे गैस मंडे नाइट रॉ में आते हुए एनएक्सटी से। यहाँ पे गैस ब्लैक एंड गोल्ड ब्रांड से हो सकता है इनका शिफ्टिंग मंडे नाइट रॉ की ओर, तो डैनी बर्च भी हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट नेम है वो है ड्रेक मैवरिक का। अब देखो ड्रेक मैवरिक की जो जान है जॉब है वो तो बच गई गैस, डब्ल्यू ने बचा ली, तो यहाँ पे एनएक्सटी से हमें देखने को मिल सकते हैं मंडे नाइट रॉ में आते हुए ड्रेक मैवरिक मेरे प्रेडिक्शंस के हिसाब से, और अगर ऐसा होता है तो काफी कमाल का सीन हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद का जो हमें नेक्स्ट सुपरस्टार देखने को मिल सकते हैं वो हो सकते हैं गैस यहाँ पे फिन बैलर, और फिन बैलर के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो काफी जल्दी मेन रोस्टर के अंदर आने वाले हैं, तो यहाँ पे एनएक्सटी से फिन बैलर जो है वो मंडे नाइट रॉ में हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे गाइस 11 सुपरस्टार जो कि मंडे नाइट रॉ की ओर आ सकते हैं फ्राइडे स्मैकडाउन और एनएक्सटी से, और कुछ सुपरस्टार हैं जो कि रॉ के रॉ में ही रहेंगे। तो यहाँ पे गाइस जो हमारा नेक्स्ट ब्रांड है वो है गाइस यहाँ पे ब्लैक एंड गोल्ड ब्रांड जो कि गाइस यहाँ पे एनएक्सटी। यहाँ पे बात करें एनएक्सटी की ओर गाइस तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है एंड्राडे का, और यहाँ पे एंड्राडे हमें देखने को मिल सकते हैं मंडे नाइट रॉ से जाते हुए ब्लैक एंड गोल्ड ब्रांड यानी कि एनएक्सटी में। देखो आप एंड्राडे ने काफी सक्सेसफुली अपने जो है यहाँ पे एनएक्सटी के करियर को बिताया है, तो यहाँ पे एंड्राडे हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो एक बार फिर से हमें काफ़ी कमाल का सीन देखने को मिलेगा एनएक्सटी के ऊपर। इसके बाद का जो नेक्स्ट नेम है वो है अपोलो क्रूज का। अपोलो क्रूज भी गाइस काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं एनएक्सटी के बैनर के अंडर, तो यहाँ पे हमें अपोलो क्रूज देखने को मिलते हैं, तो ये भी कमाल का सीन हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट नेम है वो है गाइस बॉबी लेस्ली द ऑलमाइटी का। यहाँ पे हमें द ऑलमाइटी बॉबी लेस्ली देखने को मिल सकते हैं मंडे नाइट रॉ से एनएक्सटी की ओर जाते हुए, और अगर ऐसा होता है तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के डिसीजन में, क्योंकि मुझे लगता है कि मेन ब्रांड और मेन रोस्टर पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ खासा चीज़ें कर रही है बॉबी लेस्ली के लिए। तो अगर आप उन्हें
NXT में भेज दो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट नेम है वो है गाइस यहाँ पे केविन ओवंस का, और केविन ओवंस की भी चीज़ें जो है सिचुएशंस ढंग से नहीं चल रही है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में ही पड़े हुए केविन ओवंस, तो ऐसे में अगर आप उन्हें मंडे नाइट रॉ से हटा के NXT के ऊपर भेजते हो तो काफ़ी कमाल हमें देखने को मिला था। एक बीच काफ़ी ज़्यादा रूमर्स भी आई थी कि केविन ओवंस हमें NXT की ओर जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं मानते। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में WWE ने काफ़ी कुछ प्लान किया हो तो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं गाइस केविन ओवंस। इसके बाद का जो नेक्स्ट नेम है वो है रिकोशे का, और रिकोशे का भी जो करियर था वो काफी सक्सेसफुल था NXT के ऊपर। यहाँ पर हमें रिकोशे देखने को मिल सकते हैं WWE NXT के ऊपर, तो यहाँ पर रिकोशे जाते हैं तो काफी कमाल में वहाँ पर भी देखने को मिलेगा NXT ब्रांड। इसके बाद का जो नेक्स्ट नेम है वो है गाइस यहाँ पे समोआ जो का, और यहाँ पे गाइस समोआ जो भी हमें देखने को मिल सकते हैं NXT में। इसके बाद का जो नेक्स्ट नेम है वो है मंडे नाइट मसाया सेथ रॉलिंस का। यहाँ पे गाइस हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिल सकते हैं NXT की ओर जाते हुए। जिस तरह से गाइस केविन ओवंस का पूरा सीन था उसी तरह से सेथ रॉलिंस का भी यहाँ पे सीन बन सकता है। एक बीच सेथ रॉलिंस की भी कुछ ऐसी रूमर्स आई थी कि वो हमें NXT की ओर जाते हुए दिखेंगे, बट ऐसा इनके साथ भी कुछ नहीं हुआ। तो अगर सेथ रॉलिंस NXT में जाते हैं तो काफ़ी कमाल का सीन हमें देखने को मिलेगा, और NXT में वैसे भी सेथ रॉलिंस का जो करियर था वो काफ़ी कमाल का बीता हुआ है, तो सेथ रॉलिंस जो है वो NXT की तरफ जाते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। तो WWE पॉसिबली जो है ब्रांड इंटरचेंज में सेथ रॉलिंस को NXT की ओर भेज सकती है। इसके बाद का जो नेक्स्ट नेम है वो है गाइस यहाँ पे किंग कॉर्बिन, यानी कि बैरन कॉर्बिन का। बैरन कॉर्बिन भी हमें NXT की ओर जाते हुए दिख सकते हैं। देन जो नेक्स्ट नेम है गाइस वो है मुस्तफा अली का। आप देखो, मुझे पता है ये जो गाइस स्टोरी लाइन करंट चल रही है यहाँ पे फ्राइडे स्मैकडाउन के ऊपर हैकर वाली, उसमें मुस्तफा अली का नाम काफ़ी ज़्यादा आया है, बट गाइस यहाँ पे मुस्तफा अली को फ्राइडे स्मैकडाउन से हटा के WWE ने उन्हें पुट कर दिया मंडे नाइट रॉ रोस्टर के ऊपर। तो ये पूरा सीन ही खत्म हो चुका है हैकर वाला। अब मुझे लगता है कि ड्राफ्ट के बाद कहीं WWE रॉ से NXT में ना भेज दें मुस्तफा अली को, तो ऐसा हो सकता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट नेम है वो है गाइस यहाँ पे सेमी जेन का। सेमी जेन का भी NXT करियर काफ़ी कमाल कर रहा है। सेमी जेन को अगर NXT में भेजते हो आप तो एक और कमाल का डिसीजन हमें WWE का देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स को WWE जो है वो कंसीडर करिए NXT में भेजने का। मेन रीजन है गाइस यहाँ पे वेडनेसडे नाइट वॉर्स, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं गाइस सेमी जेन NXT के ऊपर जाते हुए। इसके बाद का जो नेक्स्ट नेम है वो है यहाँ पे गाइस शिंसुके नाकामुरा का। नाकामुरा भी हमें NXT की ओर जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा लगता था NXT ब्रांड के ये 11 नाम जो कि इधर उधर हो सकते हैं, कुछ सुपरस्टार हैं जो कि रॉस से जाएंगे और कुछ है जो कि फ्राइडे स्मैकडाउन से ही जाएंगे, तो काफ़ी सारे नेम्स हैं। इसके बाद भी काफ़ी सारे नेम्स आते हैं, लेकिन हाँ, मुझे लगा जो मेन सुपरस्टार से जो इधर उधर हो सकते हैं वो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो ये थी गाइस लिस्ट NXT की। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं फ्राइडे स्मैकडाउन के ऊपर, बात करते हैं गाइस फ्राइडे स्मैकडाउन में कौन से सुपरस्टार जो हैं वो ब्रांड इंटरचेंज कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो सबसे पहला नाम है वो आ रहा है गाइस यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक का। एलिस्टर ब्लैक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बताए जा रहे हैं कि वो जो है गाइस मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन के ऊपर जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू WWE, और करेंट रूमर्स अगर ऐसा कुछ होता है तो काफ़ी कमाल हमें देखने को मिलेगा एलिस्टर ब्लैक का भी रोल। इसके बाद का जो नेक्स्ट नेम है वो है यहाँ पे गाइस द बिग शो का, और बिग शो करेंट मंडे नाइट रॉ के ऊपर है। तो बिग शो का अगर आप स्मैकडाउन पे भेजते हो तो फॉक्स पे काफ़ी कमाल लगेंगे बिग शो वहाँ पे हमें, क्योंकि फॉक्स का जो है पूरा स्पोर्टी वाला फील है और बिग शो का भी कुछ वैसा ही फील है, तो बिग शो में वहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो एक और बेस्ट डिसीजन WWE का होगा। नेक्स्ट नेम जो है गाइस वो है द बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर का। आपको पता है फ्राइडे स्मैकडाउन के ऊपर हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिलते थे जब फॉक्स पे प्रीमियर हुआ था फ्राइडे स्मैकडाउन का। यहाँ पे गाइस हो सकता है कि अब WWE जो है वो ब्रॉक लेसनर को फाइनली स्मैकडाउन के ऊपर भेज सकती है, और एडी ब्रॉक लेसनर ने जो है स्मैकडाउन पे काफ़ी धूम मचा रखी थी काफ़ी समय पहले, तो आपको याद होगा ही जब गाइस यहाँ पे WWE के अंदर एटीट्यूड एरा वगैरह चलते थे, जब गाइस यहाँ पे रूथलेस एग्रेशन था तब काफ़ी ज़्यादा ब्रॉक लेसनर ने तबाही मचा रखी थी स्मैकडाउन के ऊपर। तो हमें यहाँ पे स्मैकडाउन पे ब्रॉक लेसनर देखने को मिलते हैं वो भी फॉक्स नेटवर्क के ऊपर, तो समझ लो आप क्या धूम मचने वाली है। इसके बाद का जो नेक्स्ट नेम है वो है द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल का, और जिंदर महल के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि वो स्मैकडाउन के ऊपर जा सकते हैं। नेक्स्ट नेम है गाइस द वाइपर रैंडी ऑर्टन का। वाइपर रैंडी ऑर्टन हमें काफ़ी समय से स्मैकडाउन पे देखने को नहीं मिले हैं, मंडे नाइट रॉ पर ही हमें रैंडी ऑर्टन की स्टोरी लाइन देखने को मिल रही है। यहाँ पे मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन की जो स्टोरी लाइन चल रही है एज और क्रिश्चियन के साथ वो खत्म होते ही रैंडी ऑर्टन जो है वो ड्राफ्ट के बाद स्मैकडाउन के ऊपर जा सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट नेम है वो है गाइस यहाँ पे रे मिस्टीरियो का। रे मिस्टीरियो की भी सिचुएशन कुछ सही नहीं है, रिटायरमेंट से उभर रहे हैं जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है WWE मंडे नाइट रॉ के अंदर, यहाँ पे स्मैकडाउन के अंदर आप भेज दो, मुझे लगता है ये सारी सिचुएशन ही सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद का जो नेक्स्ट नेम है वो यहाँ पे आर्थर रूथ का, एक बार फिर से मंडे नाइट रॉ का नेम जो कि गाइस हो सकता है स्मैकडाउन के ऊपर जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है, तो आर्थर रूथ का भी यहाँ पे नेम है। इसके बाद का जो नेक्स्ट नेम है वो है द फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स का। एज स्टाइल्स गाइस जो है वो करेंटली स्मैकडाउन के ऊपर ही है, और मुझे लगता है ड्राफ्ट के बाद एज स्टाइल्स स्मैकडाउन में ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद के जो नेक्स्ट नेम है वो है द फीन्ड ब्रे वाइट का, और मुझे लगता है कि स्मैकडाउन जो है यानी कि फॉक्स नेटवर्क वो फीन्ड को अपने हाथ से नहीं जाने देगी,
रहेगी। तो फिंड हमें देखने को मिल सकते हैं स्मैकडाउन के ऊपर ही। नेक्स्ट टाइम गाइस यहां पे मैट रिडल का, जो कि ऑफिशियली आ चुके हैं गाइस यहां पे स्मैकडाउन रोस्टर के ऊपर, तो मैट रिडल को भी डब्ल्यूडब्ल्यू ड्राफ्ट के बाद इधर उधर मुझे लगता करने वाली है। तो मैट रिडल भी हमें स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है गाइस वो है डेमियन प्रिस्ट का, डेमियन प्रिस्ट एनएक्सटी से हमें देखने को मिलेंगे स्मैकडाउन में जाते हुए। नेक्स्ट टाइम गाइस यहां पे डेक्स्टर लुमिस का, डेक्स्टर लुमिस के साथ भी कुछ ऐसा सीन है कि वो एनएक्सटी से जा सकते हैं स्मैकडाउन के ऊपर। नेक्स्ट टाइम गाइस यहां पे डोमिनिक डैजोकोविक का, और डैजोकोविक भी हमें देखने को मिल सकते हैं स्मैकडाउन पे। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिल सकते हैं टोमासो चेंपा फ्राइडे स्मैकडाउन के ऊपर एनएक्सटी से आते हुए। नेक्स्ट नेम है गाइस वो है वेलवेट इन ड्रीम का, और वेलवेट इन ड्रीम के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो स्मैकडाउन पे आए डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्लैक एंड गोल्ड ब्रांड एनएक्सटी से। तो ये थे गाइस मेरे प्रेडिक्शंस, अगर ड्राफ्ट 2020 होता है तो ये सारे सुपरस्टार जो हैं वो ब्रांड इंटरचेंज कर सकते हैं। आप अपने प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल के लिए बस इतना ही था, जाता है तो इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट और फिर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।